हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी यहाँ पर विंडो 10 की थीम के बारे में। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का वीडियो है। ओके, तो आप अपनी विंडो 7 को विंडो 10 के अंदर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं सिंपल सा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले आज की वीडियो में विंडो 8 की थीम के बारे में। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास जो कंप्यूटर में अप्लाई हो रखी है वही हो विंडो 8 की थीम है। ओके, एंड इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसके लिए वो स्टार्ट मेन्यू जैसा विंडो 8 के अंदर आता है वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। आपको लास्ट यहाँ पर सिंपल सा कोने में जाना होगा, वहाँ पर आपको विंडो 8 का यहाँ पर जो कि है सिंपल सा डेस्कटॉप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर विंडो 8 का जो कि है, अगर आप लोगों को करते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन भी विंडो 8 की मिलती है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विंडो 8 के पैक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि है पैक मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं इसको गूगल ड्राइव पर लॉग यहाँ पर जो कि डालने वाला हूँ, वहाँ से आप यहाँ पर सिंपल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा विंडो 8 ट्रांसफॉर्मेशन पैक 7.0। ओके, इसकी साइज है यहाँ पर 58.6 MB। ओके, ज़्यादा साइज भी नहीं है, यानी कि 60 MB का ये है। इसको आपको सिंपल सा यहाँ पर दो बार क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक बार क्लिक करके इसका ऐसा इंटरफेस कैसा आता है। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पर इंस्टॉलेशन का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको विंडोज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जो कि है फर्स्ट सिस्टम फाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको इनेबल विथ रिपेयर चेकिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट आता है, ऑटोमेटिक उसको ही रहने देना है। ठीक है, एंड यहाँ पर सिस्टम फॉन्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको COGUI आप कर सकते हैं, यहाँ पर सिस्टम डिफॉल्ट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर मेस्ट्रो मेट्रो स्टार्ट मेन्यू विन मेट्रो आपको करना है, न्यू जेन को आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये इसी के अंदर यहाँ पर काम करने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो कि लास्ट ऑप्शन है एरो ऑटो, यहाँ पर जो कि कलराइजेशन विस्टा एंड 7 ओनली। ओके, इसके लिए है, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वापस इस सेटअप को ओपन करें, यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा अनइंस्टॉल, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है, यानी कि मैंने सेटअप कर रखा है, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको सिंपल सा पर्सनलाइजेशन में जाना होगा, यहाँ पर आपके पास ऐसा इंटरफेस आने वाला है। एंड गाइस, फर्स्ट बात, यहाँ पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में बात करने वाले मेक ओएस की थीम के बारे में। तो यहाँ पर जो कि है आपको यहाँ पर मिलने वाली है विंडो 8 ग्लास UI एंड विंडो 8 मेट्रो UI एंड विंडो 8 मॉडर्न UI। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन थीम पैक देखने को मिलने वाले हैं। मेरी ग्लास वाली यहाँ पर जो कि अनेबल है, यहाँ पर अनसेव्ड थीम के अंदर मैंने ग्लास वाली यहाँ पर सेव कर रखी है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो 8। ओके, एंड विंडो 7 मेरी पहले से थीम है, यहाँ पर जो कि विंडो है वो। अब यहाँ पर हमने कल 10 के बारे में बात की, तो आज हमने 8 के बारे में बात कर लिया। तो गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिलने वाला है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मेक ओएस की थीम के बारे में। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।